हेलो फैक्टो फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। एक तरफ भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिन मनाता है। हालांकि पाकिस्तान अपनी उल्टी सीधी हरकतों से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान अपनी उल्टी सीधी हरकतों से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। शाबाश बेटा। हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान का नाम आते ही सबके दिमाग में नेगेटिव थॉट ही आते हैं। पाकिस्तान में अब से 8 बजे के बाद छाने वाला है अंधेरा। यही नहीं, पाकिस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, लेकिन किसमें जब आपको पता चलेगा ना, तो फिर आप कहोगे शाबाश बेटा। और आज हम आपको पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे बहुत से फैक्ट्स बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर फिर से आप कहोगे खत्म। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश 1956 में घोषित किया गया था, लेकिन 1971 में लंबे गृह युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश के रूप में वर्ल्ड मैप पर आया। इसका क्षेत्रफल 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और यह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की जनसंख्या की, तो वो 21 करोड़ से भी ज्यादा है, जो दुनिया में 6ठे स्थान पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ती रही, तो सन 2030 तक पाकिस्तान इंडोनेशिया को पछाड़ वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन अगर बात की जाए अधिक बोली जाने वाली भाषा की, तो वो पंजाबी है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, लेकिन क्या आपको पता है पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये से बहुत नीचे है। आज के समय में पाकिस्तानी 100 रुपये केवल 36 भारतीय रुपयों के बराबर है। पाकिस्तान की वर्तमान राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन आपको बता दूं 1967 से पहले पाकिस्तान की राजधानी कराची हुआ करती थी। पाकिस्तान साक्षरता के मामले में काफी पीछे है। यहाँ की लिटरेसी रेट कुल 58% है। वहीं बात की जाए सिर्फ महिलाओं की लिटरेसी रेट की, तो वो 40% से भी कम है। वैसे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोग शरिया कानून को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि कई बार पाकिस्तान की कोर्ट भी शरिया के आधार पर फैसला देती थी। पाकिस्तान के गणतंत्र दिवस की बात करें, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है, जिसे पाकिस्तान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। हमारे विकास में हमारी शिक्षा बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर हमारे स्कूल्स में ही हमें गलत पढ़ाया जाए, तो विकास तो दूर की बात है, आप एक सभ्य नागरिक भी नहीं बन पाएंगे। वैसे ही हाल कुछ पाकिस्तान का भी है। आपको जानकर शौक लगेगा, या शायद ना भी लगे, कि पाकिस्तान में शुरू से बच्चों में नफरत भरी जाती है। उन्हें स्कूल में सिखाया जाता है कि काफिर यानी यहूदी और इंडिया उनका दुश्मन है। वहाँ के सभी बच्चों को ये तो पता है इंडिया और यहूदी उनका दुश्मन है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है क्यों, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। यही काफी नहीं है, स्कूल्स में इतना झूठ पढ़ाया जाता है कि भारत पाकिस्तान से अलग हुआ था। जैसा आप सभी को पता है, पाकिस्तान 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है और चारों में करारी हार का सामना भी किया है, लेकिन फिर भी वहां बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि इन युद्धों में पाकिस्तान विजयी हुआ था। अब कुछ लोग पढ़ना भी चाहते हैं, तो पाकिस्तानी सरकार उन्हें पढ़ने नहीं देती, क्योंकि वहाँ पढ़ाई पर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होने पर सरकार 5% का टैक्स जो लेती है। वैसे तो पाकिस्तान में बॉलीवुड की फिल्में बहुत ज्यादा देखी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे लॉलीवुड कहा जाता है। आपको पता है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए वर्ल्ड फेमस है। रुको रुको, खेलने के लिए नहीं, बल्कि फुटबॉल बनाने के लिए। पाकिस्तान के सियालकोट के कारखानों में हर साल लगभग 4 से 6 करोड़ फुटबॉल बनती है, जो वर्ल्ड के कुल निर्माण की 50 से 70% तक है। सबसे हैरानी की बात ये है कि ज्यादातर फुटबॉल हाथ से बनी होती हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान वर्ल्ड का पहला ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। क्या आपको पता है पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजराइल जाने का वीजा नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री इजराइल को देश ही नहीं मानती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न पाकिस्तान में देखा जाता है? जी हाँ, सर्च इंजन गूगल की माने तो इंटरनेट पर पॉर्न सर्च करने वाले देशों में पाकिस्तान सबसे आगे है। वैसे तो पाकिस्तान में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन पाकिस्तान में आए दिन बम धमाके और आतंकवाद की खबरों से लोग पाकिस्तान जाने से कतराते हैं। यही नहीं, कुछ दिन पहले
ही अमेरिकी इंटेलिजेंस थिंक टैंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को दुनिया का 8वां खतरनाक देश बताया गया है। पाकिस्तान पर दूसरे देशों का कर्ज इतना हो गया है कि अब बचत के लिए पाकिस्तान में रात 8 बजे के बाद अंधेरे का ऐलान कर दिया गया है। इसी बीच मंदी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब अपना अमेरिका स्थित दूतावास बेचने को मजबूर हो चुका है। साथ ही साथ बलूचिस्तान और तहरीके तालिबान विवाद की वजह से पाकिस्तान अब टूटने की कगार पर है। तो ये थे पाकिस्तान से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि पाकिस्तान को लेकर आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।